हेलो वेलकम स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग अ फिजिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज ऑन चैप्टर एनर्जी। सो नाउ द टॉपिक इज व्हाट? ऑन पावर। यू ऑलरेडी समटाइम हर्ड दैट ए मशीन इज मच मोर पावरफुल देन द मैन। हम लोग को पता है कि मशीन जो है वो इंसान से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि मशीन जो है वो इंसान के तुलना में बहुत जल्दी से तेज़ी से काम करती है और वो टाइम भी बहुत कम लेती है और इंसान टाइम ज़्यादा लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मशीन इज मच मोर पावरफुल देन मैन। ओके, तो अभी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपसे डिफाइन करूँगा, जैसे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट? पावर। पावर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये हमने किसके टर्म के आधार पर किया? मैंने वर्क डन के हिसाब से। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या इक्विवेलेंट है। अगर मैं एनर्जी के हिसाब से अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा द एनर्जी सप्लाइड बाई ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? पावर। ओके, अब देखो पावर का जो फॉर्मूला है, अगर मैं एनर्जी के रूप में देखूँ तो मैं फिर बोलूँगा पावर इक्वल टू व्हाट? एनर्जी बाय व्हाट? टाइम। ओके, अगर मैं वर्क डन के हिसाब से लिखना चाहूँगा तो मेरा बन जाएगा वर्क बाय टाइम। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि एनर्जी और वर्क क्या है? इक्विवेलेंट है। अब अगर हम क्वेश्चन अराइज करेंगे कि पावर का यूनिट क्या है, तो यू शैल कीप इन माइंड दैट जो इसका यूनिट है एनर्जी का वो या वर्क का, तो दोनों का एनर्जी क्या? बोथ ऑफ देम सेम यूनिट, नेमली व्हाट? जूल। दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, कौन सा? जूल। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट है वो बन जाएगा आपका क्या? जूल पर वाट सेकंड। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? मैं इसको कहूँगा वाट, तो स्मॉल लेटर में है। अगर मैं इसको सिंबल देना चाहूँगा तो कैपिटल लेटर W। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाट। अब अगर आपसे पूछा जाए इफ़ ए क्वेश्चन अराइज हाउ कैन यू डिफाइन वन वाट, आप वन वाट को डिफाइन कैसे करोगे? तो मैंने आपको बोला ये जूल है और ये क्या? सेकंड है। तो मैं समझूंगा व्हेन व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड। अगर एक जूल काम करें कितने समय में? एक सेकंड में, देन उसके पावर को हम क्या कहेंगे? वन वाट। दिस मीन दैट व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड, ओके, देन इट्स पावर इज सेड टू बी वन वाट। क्लियर? इससे जो बड़े यूनिट भी होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किलोवाट। तो बिगेस्ट यूनिट को क्या बोलेंगे? किलोवाट। उससे भी बड़ा क्या होता है? हॉर्स पावर। तो दिमाग में रखोगे एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं, तो मैं कहूँगा 746 वाट। तो इसको अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं राउंडिंग फिगर में तो ये बन जाता है 750 किलोवाट। ओके, तो याद रखोगे ये तो स्टैंडर्ड यूनिट आ गया। अगर मैं बात करूँगा बिगर यूनिट के बारे में तो कैसे लिखेंगे फिर इसका बिगर यूनिट का? क्या कहूँगा मैं? किलोवाट। दूसरा हम क्या बोलेंगे? हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 क्या? किलोवाट। अगर मैं अप्रॉक्स लेना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरे को लगता है 746 वाट। ओके, 746 वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 750 वाट। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और ये वाट जो है इसका कैपिटल लेटर W लिख देते हैं। ओके, अब देखो ये आपका हो गया बिगर यूनिट। अब हम बात करेंगे कि ये जो पावर है ये किसके ऊपर में, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पावर डिपेंड? तो पावर जो है वो किसके ऊपर में डिपेंड होती है? तो मैं तो कहूँगा आप फॉर्मूला देखो, पावर किसके ऊपर में डिपेंड? W/T। तो मैं तो बोलूँगा वर्क के ऊपर में डिपेंड होती है और टाइम के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप जितना काम करोगे उतना ही पावर होगा। ओके, जैसे मशीन ज़्यादा काम करती है तो इसका मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है। और टाइम में क्या होता है, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर वो कम समय में ज़्यादा काम करे तो इसका मतलब टाइम जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। टाइम जितना ज़्यादा लेगा उतना पावर उसका क्या होगा, कम होगा। बोलो समझ में आ गया? तो आप समझ लीजिएगा कि वर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पावर। मीन वर्क जितना ज़्यादा होगा उतना पावर ज़्यादा होंगे। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम जितने कम होंगे उतना यानी कि क्या होंगे आपका, कि पावर ज़्यादा होंगे। ओके, तो इस तरह से यानी कि इसको समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क और पावर के बीच में क्या है, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि वर्क का डेफिनेशन क्या है। तो कैसे लिखोगे? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट सच दैट इट कैन डिस्प्लेस, इट कैन डिस्प्लेस। ओके, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या होती है, हिलकर किसी थोड़ी दूर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये हो गया वर्क का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर को कैसे बोलेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये डिफरेंस हो गया दोनों का। फिर हम बात करेंगे वर्क में, इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क जो है वो टाइम के ऊपर में डिपेंड नहीं होते, लेकिन जो पावर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैंने दिखाया ना ये टी, तो आप समझ गए कि पावर जो है वो टाइम के ऊपर में डिपेंड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट। पावर का जो यूनिट है वो है वाट, और जो वर्क है उसका यूनिट क्या है, जून। तो ये क्या है इसका यानी कि डिफरेंस है। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करेंगे एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड वाट, एनर्जी। एनर्जी मीन द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी सप्लाइड बाई ए बॉडी इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी भी टाइम के ऊपर में डिपेंड नहीं होती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट पावर डिपेंड ऑन टाइम। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, और इस पावर का यूनिट क्या है, वाट। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी एंड और पावर का, या वर्क एंड पावर का, ये आपको याद करना है। तो इस तरह से आप इसको पावर फैक्टर है ना, और डिफाइन 1 वाट, ये सब आपको डिफाइन यानी कि पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, एनर्जी एंड पावर, इसका भी डिफरेंस जरूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट हम क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बताएंगे। तो हम तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय।